मेरी हाइट भले ही छोटी हो लेकिन मेरी सोच मैंने बड़ी रखी। मेरा हाइट 3 फीट 4 इंच है और मैं वर्ल्ड शॉर्टेस्ट कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम 2016 में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में खेला था मैं, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाने से पहले मेरे मन में बहुत डर था कि मेरे को हंसेंगे लोग या कुछ बुरा कहेंगे, मेरे वीडियो कुछ जोक की तरह वायरल कर देंगे। मतलब मैं कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, तो ट्रेन में अलग अलग लोग मिल रहे थे, कोई हंस रहा था मेरे ऊपर, कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था। अगर मैं सबको बोलता जाऊंगा तो दिन में मेरे साथ 100 झगड़े हो जाएंगे और इससे मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो मैंने ठान लिया कि इन सबको इग्नोर करते हैं और मेरे करियर के ऊपर मैंने फोकस करना स्टार्ट दिया। तू 8 से 10 साल का था तब मैंने खुद को मन में एक ठान ली थी कि मेरे को इंडियन आर्मी में जाने का है, लेकिन 13 से 14 साल का मैं जब था तब मेरे को पता चला कि मेरी हाइट आगे बढ़ना है इस वक्त। तो मैंने कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वर्कआउट को भी छोड़ दिया था, घर वाले बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे मेरे, तो घर वालों ने मेरे को एक हैंडीकैप हॉस्टल में डाल दिया था। वहाँ पर मैंने 3 साल तक पढ़ाई की और 3 साल वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा था कि अभी मतलब मैं थोड़ा सुधर गया था। लोग बुरा बोलते हैं तभी भी उनको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि किसी कोई बोलता है तो उसके मुंह पे अपन हाथ नहीं रख सकते। तो ये सब चीज़ें मेरे को समझ में आई थी, तो मैं मामा के पास गया, वहाँ पर मेरी पढ़ाई आगे की हो गई। मेरे को लोग तो अच्छे भी मिलते गए और बुरे भी मिलते गए। मेरा जो डाइट का खर्चा रहेगा या कुछ किधर जाने का खर्चा रहेगा वो तो पापा करते थे या फिर मम्मी करती थी। मम्मी जो थी मेरी कपड़े वगैरह लोगों के सिला के जो पैसा मिल रहा था तो उससे मेरे डाइट को देती थी। तो अगर जैसे कि सिटी में जाना रहेगा तो खर्चा होता था, तो वो सब फैमिली से ही मिलता है खर्च। मैंने मन में ठान लेके मैं स्टेज पे चला गया, पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उससे मेरा बॉडी बिल्डिंग आगे बढ़ता गया। 2018 से मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट होता गया हूँ और 2021 में मैंने नेशनल कंपटीशन खेला हूँ पंजाब लुधियाना में। इंस्टाग्राम से भी पब्लिक बहुत सपोर्ट कर रही है, पर्सनली मैसेज करते हैं मेरे को, डाइट प्लान पूछते हैं, तो मैं सबको रिप्लाई करता रहता हूँ और मेरे वीडियोस का अच्छे व्यूज़ देते हैं, लाइक्स देते हैं। तो एक मेरे को पब्लिक से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो और भी मेरे को आगे कुछ करने का, मतलब आगे कुछ करने को अच्छा लग रहा है। अभी मेरा एक गोल है कि मैं मिस्टर वर्ल्ड में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊँ।